हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक जनरल इंट्रोडक्शन ऑन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड. प्राइवेट डिफेंस चैप्टर 4 के अंदर सेक्शन 96 से लेके 106 तक रन करती है, एंड इसमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है आपका. अगर आपको आपके बॉडी को या आपके प्रॉपर्टी को कोई हार्म पहुंचा रहा है, इफ इट इज अंडर इमिनेंट इमीडिएट एंड रियल थ्रेट, तब आप उसकी सुरक्षा करोगे. यू विल डिफेंड योरसेल्फ, आप अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करोगे. इस अंडरस्टैंडिंग से बनता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. इसके पहले हमने अपने सारे जनरल एक्सेप्शंस अंडर द इंडियन पिनल कोड चैप्टर 4 के हम लोगों ने इन डेप्थ डिस्कस किए हैं. So, अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में लॉ सीखो के देख सकते हो. सो फॉर दिस, इस वीडियो के लिए मैं एक जनरल इंट्रोडक्टरी वीडियो दूंगा. ये एक ब्रेकअप वीडियो है जहां पे मैं सेक्शन 96 से लेके 106 को ब्रेकअप करूंगा आप लोगों के लिए इजीली. और आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इन डिटेल सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और साथ ही इंपॉर्टेंट केस लॉज एंड जो हमारा यूएसपी है, दैट इज विल डिस्कस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटिंग टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो लेट इज गेट स्टार्टेड. सो पहला, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, इसकी थ्योरी क्या है, कहाँ से आता है? तो आप ये समझो, एक स्टेट की ऑब्लिगेशन होती है, किसी भी सॉवरेन स्टेट की ऑब्लिगेशन होती है. मैं आपको पॉलिटिकल थ्योरी बता रहा हूँ, ये बिहाइंड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. अगर आप इसको अपने लॉ स्कूल एग्जाम्स में लिखोगे तो इवेंचुअली आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एक एलैबोरेटिव क्रिमिनोलॉजिकल स्टडी है प्राइवेट डिफेंस की. तो ये रन करता है कि सारे स्टेट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है कि वो अपने सब्जेक्ट्स की लाइफ, लिम, प्रॉपर्टी, इनको प्रोटेक्ट करें. जैसे पुलिस एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, is one of the most important functionaries of the criminal procedure code. But क्या ये possible है कि police या फिर state हर जगह आपके body के protection के लिए या आपके life के लिए या आपके limb के लिए आपके लिए हमेशा सदैव तैयार रहे आपको protect करने के लिए? क्या ये possible है? Practically speaking, no, it is not possible at all. So ये जो duty है, this cannot be obliged to state for all the times. तो अब इसमें अगर स्टेट आप की प्रोटेक्शन नहीं कर सकती है ठीक से, मान लो कभी कभी, उसके लिए क्या आपको निहत्था छोड़ देगी? नहीं, आपको इक्विप करेगी सर्टेन लीगल राइट से ताकि आप खुद की सुरक्षा खुद करो. So an individual basic instinct of self-preservation, point number third जो हमारा है, bullet point, इसके बेसिस पे बना है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ होमो सैपियन, आप खुद को प्रोटेक्ट करोगे फ्रॉम ऑल इमिनेंट इमीडिएट एंड रियल डेंजर. अच्छा, अब आप मार्क करना, जब मैं कहता हूँ इमीडिएट एंड रियल डेंजर, इमीडिएट एंड रियल डेंजर, इसलिए ये हम सेक्शन 96 एंड 97 पढ़ेंगे, तब हम इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये रियल एंड इमिनेंट डेंजर क्यों कहते हैं. तो ये बहुत ही एक बेसिक कार्डिनल प्रिंसिपल है. इवन इसको हम अपने डे टू डे लाइफ में भी, माइथोलॉजी में भी ये कहते हैं, दैट इज इंसान का कर्तव्य है कि वो सबसे पहले अपने खुद की सहायता करे. दैट इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द मैन टू हेल्प हिमसेल्फ. तो वो खुद की हेल्प कब करेगा? जब अगर उसको इमिनेंट रियल डेंजर थ्रेट है at the time, और वो खुद की प्रोटेक्शन करे, then he is helping himself with the right which has been guaranteed to him, called as right of private defense. तो ये एक understanding को pillar basic बना के हम अपने आगे आने वाले sections को समझेंगे in detail. ये थी theory behind right of private defense. अब let us see the breakup देखते हैं हम लोग section 96 से 106 का. तो सेक्शन 96 सबसे पहले आपको एक जनरल रूल बताती है. सेक्शन 96 आपको जनरल रूल कहती है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है क्या. 97 उस पे वर्क करती है और अपनी फाउंडिंग पिलर्स बनाती है,
कि आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ तक जाता है, आपके बॉडी पार्ट्स तक, आपके प्रॉपर्टी तक। क्या वो सिर्फ आपके ही बॉडी पार्ट्स या प्रॉपर्टी तक जा सकता है, या किसी और के भी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हो, या किसी और की प्रॉपर्टी डेंजर में है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हो। 97 डील्स में क्या 90 सेक्शन 99 यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमारा, ये बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन है पूरे चैप्टर, पूरे इस प्रोविजन का, इस सेक्शन का। 96 से 106 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में चैप्टर सेक्शन 99 इसीलिए इम्पोर्टेंट है। 99 एक लिमिटेशन देती है कि कब आप अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। वर्ड इज कॉल्ड व्हेन यू कैन नॉट एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच हैज बीन गारंटीड टू यू फ्रॉम सेक्शन 96 टू 106, सेव सेक्शन 99। अब इसमें आप समझो 99 ये कुछ प्रोविजंस बताता है जो कि लिमिटेशंस ड्रॉ करती है आपके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की। ये राइट ऑफ आपका प्राइवेट डिफेंस है पर आप उसको इस पॉइंट पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो कौन से वो सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सेक्शन 102 एंड 105 ये बात करते हैं कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशन। अब 102 बात करता है बॉडी की, 105 बात करता है प्रॉपर्टी की। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बॉडी और प्रॉपर्टी का होता है, बट दोनों सेपरेटली चलते हैं और साथ में भी चलते हैं, तो इनको हम अच्छे से ब्रेकअप करके पढ़ेंगे। पर आप फॉर द टाइम बीइंग समझो किसी भी आपके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कब शुरू होता है, कमेंसमेंट शुरू कब होता है और कब तक चलते रहेगा, खत्म कब होगा, ये आपका 102 एंड 105 में डिस्कस किया है। गोइंग ऑन टू सेक्शन 100, 101, 103 एंड 104, ये चार सेक्शन बात करता है कि आप कितना हार्म कॉज कर सकते हो व्हाइल एक्सरसाइजिंग योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। क्या आप खुद के प्राइवेट डिफेंस को कैरी ऑन करने के लिए, अपने खुद के बॉडी या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, क्या आप किसी की जान ले सकते हो, कैन यू कमिट होमिसाइड देयर, कैन यू कॉज ग्रीवियस हर्ट हर्ट, ये सारे हम डिस्कस करेंगे 100, 101, 103, 104 में। अब 98 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोविजन ड्रॉ करता है सेक्शन 98। ये इंडियन पिनल कोड का एक ऐसा सेक्शन है जहां पे आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके लिए एज अ फिक्स्ड राइट है। पर मान लो सामने कोई इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है या कोई पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, क्या वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आपको अगर आपके लिए, आपके लाइफ, आपके प्रॉपर्टी के लिए इमिनेंट रियल डेंजर है, तो क्या आप अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए एक इंटॉक्सिकेटेड या इनसेन पर्सन, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इनफैंसी, इनको क्या आप हर्ट पहुंचा सकते हो, तो ये डिस्कस करता है 98। और इससे भी एक आप एक्सटेंट देखो कहां तक जाता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का एक्सटेंट, कि आप खुद के लाइफ को, खुद के लिम को, खुद के प्रॉपर्टी को आप बचाने के लिए किसी इनोसेंट को आप क्या हार्म कर सकते हो। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आप खुद को बचाने के लिए किसी इनोसेंट को हार्म कर दोगे, क्या उस इनोसेंट को जिसको आप हार्म कर रहे हो क्या उसके पास भी प्राइवेट डिफेंस है। तो ये सेक्शन 106 एक रूल क्रिएट करता है कि आप क्या एक इनोसेंट को भी हार्म कर सकते हो। तो ये था ब्रेकअप ऑफ सेक्शन ऑन जनरल डिफेंस अंडर द इंडियन पिनल, ऑन प्राइवेट डिफेंस अंडर द इंडियन पिनल कोड। एंड अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम इन डेप्थ डिटेल करेंगे एक एक प्रोविजन से। सो होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, अगर अच्छा लगा हो तो आप नीचे रेड बटन सब्सक्राइब पे आप इसे सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी आप प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे जब भी नई वीडियोस अपलोड हो रही हैं। एंड हम ये सारे अपने चैप्टर्स, अब जितने भी प्रोविजंस डिस्कस कर रहे हैं अब स्पेसिफिकली हिंदी में कर रहे हैं,
ताकि ऑल हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस को कोई भी दिक्कत ना हो समझने में. सो इफ एनी वे इन बिटवीन अगर इंग्लिश हो रही है या समझ नहीं आ रहा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर इट. धीरे धीरे ये सेटल हो जाएगा एंड आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो. थैंक यू वेरी मच.